ग्रे फाल्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े साइज के शिकार का शिकार करने के लिए जाना जाता है। ये न केवल सिर्फ बड़े साइज के जीवों पर अटैक करने की ताकत रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना निवाला भी बना ही डालते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहां पर फाल्कन अपने शिकार की तलाश में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी इसकी नजर इस कनाडा गूस के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से ये नीचे आ जाता है और गूस के ऊपर रोमर रेंज वाली अटैक कर देता है। वहीं इस जबरदस्त अटैक से खुद को बचाने में कनाडा गूस पूरी तरह से असफल हो जाता है, क्योंकि फाल्कन का प्लान ही होता है कि पूरी ताकत के साथ गूस की गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और फिर अपने पंजे से उसके शरीर पर हमला करके उसे राइट कर दिया जाए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जब फाल्कन अपनी इस चाल में सफल हो जाता है तो देखते ही देखते कनाडा गूस को अपना शिकार बना ही लेता है और फिर अपना भोजन पानी शुरू करता है।